हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ उर्विया, स्वागत है आपके मेरी चैनल पे। आज है ना, मैं फिर से जा रही हूँ कुर्ला मार्केट। मैंने जो इससे पहले कुर्ला मार्केट का वीडियो डाला है ना, वो आप लोगों ने सबने बहुत पसंद किया है। तो आज मैं और मेरी मॉम वापस जा रहे हैं कुर्ला मार्केट। कुछ हमें फेस्टिवल की, कुछ शादी की शॉपिंग करनी है, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने पूरा कलेक्शन दिखाया था, सेम आज भी मैं आपको पूरा कलेक्शन दिखाऊंगी। मुझे है ना, बहुत लोग ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि वो कौन से टाइम पे और कौन से दिन पे चालू होता है, तो मैं आपको बता दूँ, वो 365 डे ओपन होता है मार्केट। लेकिन आप 1 बजे के बाद जाओगे तो पूरा कलेक्शन आपको देखने मिलेगा, क्योंकि है ना, वहाँ पे 12 बजे के बाद तो वो लगना स्टार्ट होता है, तो इतना कुछ आपको देखने नहीं मिलेगा। तो 1 बजे के बाद आप लोग जाना तो पूरा देखने मिलेगा। और सिर्फ फ्राइडे एक दिन ऐसा होता है कि वो लोग नमाज पढ़ने जाते हैं ना, तो बहुत लेट चालू करते हैं, तो 3 से 4 बजे के बीच में वो लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप वो ही टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे जाना तो पूरा कलेक्शन देखने मिलेगा। बिफोर 3 जाओगे तो आपको वेट करना पड़ेगा बहुत वहाँ पे। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन होता है। अगर आप मेरा पहली बार ये वीडियो देखने वाले हो तो आपको अमेजिंग कलेक्शन देखने मिलेगा। चलो चलते हैं और देखते हैं अभी क्या नया आया हुआ है वहाँ पे। गाइज, ये नाम है ना, पहले अच्छे से देख लो, क्योंकि मुझे बहुत बार कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है कि ये मार्केट कहाँ पे है, कहाँ पे। इसको चाइना मार्केट बोला जाता है, बट यहाँ पे ऊपर कहीं पे मेंशन नहीं है चाइना मार्केट। और गूगल मैप में भी है ना, आपको भाजी मंडी के वहाँ पे रुका देंगे। तो नाम देख लो, और अंदर है ना, एंटर होते ही आपको ये ज्वेलरी शॉप्स एंड लेगिंग्स दुपट्टे का शॉप्स देखने मिल जाएगा। तो वहीं से देख के मत भाग जाना कि ये फैब्रिक शॉप्स नहीं है करके। स्टार्टिंग में यही शॉप्स हैं। अंदर जाओगे तो यहाँ से आप देखो राइट हैंड से लेस वाला है, वहाँ से स्टार्ट होता है कंटिन्यू फैब्रिक का। यहाँ पे ना लेस की 1-2 ही शॉप है, लेकिन इनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन था, मतलब सब था। लखनवी था, गोटा था, जरी था, आपको जो भी चाहिए ना, मिरर वर्क था। इनफैक्ट है ना, ये लोग जो हम लोग का हैंगिंग वाले लेसेस आता है ना, वो ऑर्डर से भी बनवा के देते हैं। मतलब कस्टमाइज़ करवाना है आपको कोई कलर का, या फिर कुछ अलग चाहिए तो वो भी करवा के देते हैं। और प्राइस भी है ना, बाहर मार्केट से तो रिजनेबली मुझे लगा था। अभी है ना, न्यू कलेक्शन में कैसा आया बताया आपको, दुपट्टे का और आपको लहंगे का कपड़ा सेम मिल जाएगा। मतलब ये दुपट्टा है उसका, तो लहंगा खूब भरा हुआ आएगा, तो आपको दुपट्टा अलग से मैच करवाने की या डाई करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये है ना, नेट पर बहुत अच्छा काम है, नेट पर मिरर है, लखनवी है, और कलर्स तो अमेजिंग है, आपको बहुत कलर ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। ये मैं ना मेहंदी के लिए देख रही थी, ये दुपट्टा है उसका, तो उसका घाघरा मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसा। ये उसका घाघरा है, मतलब आपको प्लीट वाला सिलवाना है, कली वाला, वो आपका ऑप्शन है, और ऐसे आपको पैर करके मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात है, आपको दोनों खरीदना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे चालू होता है कॉटन, रेयन, प्रिंट, आपको प्लेन में भी बहुत कलर मिलेंगे, और प्रिंट में भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। इसका है ना, यहाँ पे चिकन का भी बहुत अच्छा कलेक्शन है, मैं ये अंकल से हर बार ख़रीदती हूँ। और अभी तो ये प्रिंट में भी बहुत अच्छे, ऊपर का और बॉटम वेयर दोनों का ऐसे सूट्स आया हुआ है। लेकिन ज़रूरी नहीं है दोनों खरीदो, कोई भी एक भी ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हो, वो आपको मीटर के हिसाब से काट के दे देते हैं। यहाँ पे 100 रुपीज़ स्टार्टिंग मीटर का भाव है, और 150-200 तक चला जाता है प्रिंटेड में। बट सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे ना 60 का पन्ना आपको मिलता है। तो 60 के पन्ने में क्या होता है ना, कपड़ा आपको कम खरीदना पड़ता है। यूजुअली हम लोग का 40 का पन्ना आता है, तो है ना, बहुत अच्छे से आपको जो पैटर्न भी करवानी है वो भी हो जाएगी, और कपड़ा भी कम लगेगा। मेरी मॉम ने ये लिया था अपने लिए, इनका फैब्रिक नो डाउट बहुत अच्छा होता है। और अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली है, तो मेरी मॉम कॉटन का अपना कलेक्शन लेना स्टार्ट कर रही। ये अंकल है ना, ऑलवेज ऐसे ही नापते हैं, तो मुझे है ना पहले ऐसे लगता था कि ये कम दे रहे हैं, लेकिन मैंने घर पर जाके नाप के देखा, वो हमेशा पूरा ही देता है, तो कपड़े में भी चोरी नहीं है। उनके एग्जैक्ट बाजू का स्टॉल है ना, वहाँ पर आपको सैटिन, पॉलिस्टर, सिंथेटिक, वो सब कपड़े में प्रिंट्स बहुत अच्छी अच्छी देखने मिलती है, गाउन बनाने के लिए, आपको मिरी ड्रेस बनाने के लिए। और उसके आगे है ना, ये पूरा स्टॉल जो है ना लखनवी का है, जहाँ पे 300-350 से स्टार्टिंग पर मीटर उनका प्राइस है। अभी है ना, मार्केट में लहंगे के लिए मटेरियल बहुत अच्छा है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आने वाला है ना आप पूरा, तो बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस आए हैं। गाइज, लहंगा बनाने के लिए आपको जो मटेरियल चाहिए होगा ना, वो स्टार्टिंग रेंज 300 रुपीज़ मीटर है, बहुत अच्छा उसमें भी कपड़ा मिल जाता है। फिर जितना आप हैवी लोगे वैसा रेंज चला जाएगा। और यहाँ पे है ना, सबसे बड़ी बात है कि आपको जो पसंद आ रहा है ना, वो तभी के तभी लेना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आओगे तो मिलेगा नहीं। मेरा सेम ये, और इससे पहले मैंने मिरर फैब्रिक दिखाया, दोनों के साथ हुआ है। मैं
लास्ट टाइम लेके गई थी, फिर इस बार मैंने मांगा तो नहीं उनसे मिला, दूसरा ही पैटर्न आ जाता है। मतलब आप सोच के छोड़ के मत चले जाना कि नहीं नहीं मैं नेक्स्ट टाइम खरीदूंगी, क्योंकि नहीं मिलता है रिपीट। मैंने कितना उनको सब खोलने को बोला लेकिन मुझे नहीं मिला। आपको है ना सूट के लिए भी बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। और है ना ये लोग क्या करते हैं पता है आपको, लास्ट में जो 2 मीटर के पीस या 1.5 मीटर के पीस ऐसे सब बचते हैं ना, तो प्राइस भी बहुत कम करके दे देंगे। और यहाँ पे आ रहे हो ना तो भाव करवाना, वो बार्गेन बहुत करते हैं। बहुत अच्छा अच्छा वर्क वाला फैब्रिक आया हुआ था, और ये तो पूरी शॉप जो है ना वो ऐसा है ना कि डाइबल फैब्रिक की थी। आप कोई भी मटेरियल लो और डाई करवा सकते हो। गाउन के लिए भी यहाँ पे फैदर के फैब्रिक्स बहुत अच्छे अच्छे थे, और वो 800 रुपीज़ 700 रुपीज़ पर मीटर ऐसा कुछ चार्ज कर रहे हैं। मैं दूसरी जगह से लेती हूँ ना, वहाँ पर बहुत महंगा है फैदर फैब्रिक और ऑप्शन भी नहीं मिलते, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और मैं बोल रही थी ना हैंगिंग वाला, ये बोल रही थी कि हैंगिंग वाला जो लेसिस होता है ना वो ये लोग कस्टमर करके देते हैं, और पर मीटर कुछ 120-140 तक वो लोग चार्ज करते हैं कस्टमाइज के लिए। ये वो ज्वेलरी शॉप है जो हम लोग ने स्टार्टिंग में देखी थी। यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन ज्वेलरी का भी है, तो आप वो भी देख सकते हो। हमारी शॉपिंग यहाँ पे हो गई है और हम चले घर। मिलते मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।